हेलो एवरीवन, स्वागत करदा तुहाडे सारिआं दा तुहाडे इस अपने चैनल स्टडी पॉइंट 44 दे विच। हाँ जी, अज दी आपां इस वीडियो विच कंप्यूटर सबजैक्ट नाल रिलेटेड मोक टैसट कवर करांगे। हाँ जी, अज दे इस टैसट दे विच टोटल 30 MCQ इनकलूड किए गए हैं। हाँ जी, जेकर तुसीं पंजाब दे जां इंडिया दे किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अज की यह वीडियो थोड़े लिए काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल साबित होने वाली है। सो रिक्वेस्ट है कि तुसीं इस वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना है, एक भी प्रश्न तुसीं मिस नहीं करना है। सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सारे ही प्रश्न अलग अलग कंप्यूटर एग्जाम बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। सो अज की इस वीडियो नूं शुरू करन तो पहला जिहड़े विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल नूं हुणे ही सबसक्राइब करके बैल आइकन पर जरूर प्रेस कर लवो ता जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन थोड़ा टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हुण आपां अज की इस वीडियो नूं शुरू करते हाँ। हाँ जी, अपना पहला प्रश्न दिता गया, कंप्यूटर दे विच मैमरी कित्थे लगी हुंदी है? मदरबोर्ड, CPU, हार्ड ड्राइव जां नन ऑफ दीज। हाँ जी, हरेक विद्यार्थी नूं इसका बिल्कुल सही आंसर पता लग गया होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, मदरबोर्ड। हाँ जी, कंप्यूटर विच जिहड़ी मैमरी हुंदी है, यानी कि इत्थे अपने को रैम की गल की गई है तो कित्थे लगी हुंदी है? ये मदरबोर्ड के उपर लगी हुंदी है। लगभग जिन्ने भी कंपोनेंट्स हुंदे हन वो सारे ही मदरबोर्ड उपर लगे हुंदे हन। हुण जेकर आपां गल करिए CPU, तो CPU नूं कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट जो हुंदा है इसनों कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग भी कहा जाता है। सो इस गल नूं भी तुसीं ध्यान विच जरूर रखना है। इस तों अलावा जिहड़ी हार्ड ड्राइव हुंदी है उसनों होर किहड़े नाम नाल जाणिआ जांदा है? उसनों हार्ड डिस्क के नाम नाल भी जाणिआ जांदा है। इस तों अलावा इसनों फिक्सड ड्राइव के नाम नाल भी जाणिआ जांदा है। तो हुण आपां नैक्सट मूव करते हाँ सैकेंड नंबर प्रश्न। हाँ जी, कीबोर्ड उपर बटना की गिनती, सॉरी, कीबोर्ड उपर बटना की संख्या किन्नी हुंदी है? 110, 101, 109 जां 118। इत्थे अपने कोल मिसटेक है। हाँ जी, कीबोर्ड उपर बटना की गिनती 104 हुंदी है, इस गल नूं तुसीं ध्यान विच रखना है। नैक्सट आप देख लेंदे आ थर्ड नंबर प्रश्न। हाँ जी, थोड़े कोल अपने कोल एदां भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिहड़ा कीबोर्ड हुंदा है उस दे उपर फंक्शन बटना की गिनती किन्नी हुंदी है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, 12। हाँ जी, कंप्यूटर नूं बंद करन दी प्रक्रिया नूं की कहा जांदा है? ऑन, शट डाउन, स्लो डाउन जां रीस्टार्ट। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न सी, इस अपने को सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शट डाउन। हाँ जी, कंप्यूटर नूं बंद करन दी प्रक्रिया नूं की कहा जाता है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, शट डाउन। नैक्सट आप देख लेंदे हाँ फोर नंबर प्रश्न। हाँ जी, इत्थे तुसीं देख सकते हो कंप्यूटर स्टार्ट इज कॉल्ड। हाँ जी, जदों आपां कंप्यूटर नूं ऑन करते हैं तो उस प्रक्रिया नूं की कहा जाता है? बूट अप, जां उस प्रक्रिया नूं बूटिंग दा नाम दिता जाता है। हाँ जी, मोनीटर नूं होर किहड़े नाम नाल जाणिआ जाता है? हाँ जी, इस तां अपने कोल सही उत्तर की रहेगा, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, BDU। हाँ जी, मोनीटर नूं होर किहड़े नाम नाल जाणिआ जाता है? तो इस तां अपने कोल उत्तर की हो जाएगा, वीडियो दे नाम नाल भी जाणिआ जाता है। यह भी प्रश्न अपने कोल अलग अलग कंप्यूटर एग्जाम बहुत बार रिपीट हो चुका है। नैक्सट आप देख लेंदे, इत्थे तुसीं देख सकते हो कुछ आउटपुट डिवाइस के नेम। प्रिंटर अपने कोल एक आउटपुट डिवाइस है, LED भी अपने कोल एक आउटपुट डिवाइस है, इस तों अलावा LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये भी अपने कोल एक आउटपुट डिवाइस है, एंड प्रोजैक्टर जो है ये भी अपने कोल एक आउटपुट डिवाइस है। हुण जेकर आपां गल करिए इनपुट डिवाइस की, तां स्कैनर अपने कोल एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, तुहानूं पता होगा, माउस भी, टच जो स्क्रीन है ये अपने कोल इनपुट अते आउटपुट दोनों की तरह काम करती है। इस तों अलावा जिहड़ी OMR है ये भी अपने कोल इनपुट डिवाइस है, OCR भी अपने कोल इनपुट डिवाइस है, इस तों अलावा MICR भी अपने कोल एक इनपुट डिवाइस हुंदी है। तो इस तों अलावा कुछ होर भी अपने कोल इनपुट डिवाइस हुंदियां हन, जिवें कि लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गई, ये सारियां अपने कोल इनपुट डिवाइस हैं। नैक्सट आप देख लेंदे हाँ जी, जेकर वीडियो हैल्पफुल लग रही तो प्लीज़ इस वीडियो में वो बद शेयर एंड लाइक भी कर दो। फोरट्रेन भाषा का प्रयोग सब तो पहला किहड़े कंप्यूटर दे विच कीता गया सीगा? सुपर, मिनी, मेन फ्रेम जां माइक्रो। हाँ जी, इस तां अपने कोल सही उत्तर की रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, मेन फ्रेम। कंप्यूटर दे विच सब तो पहला फोरट्रेन भाषा का प्रयोग किया गया सीगा, फोरट्रेन अपने कोल सब तो पहली हाई लैवल भाषा है, इस गल नूं तुसीं ध्यान विच रखना है।
बट जो अपना कंप्यूटर होंदा है वह ओनली मशीन भाषा ही रीड कर सकता है जो कि जीरो अते वन की फॉर्म विच होंदी है। नैक्सट आप देख लेंदे हाँ, हाँ जी, चुंबकी डिस्क उपर किस दी परत चढ़ी होंदी है? आयरन ऑक्साइड, सिलीकोन, कॉपर जा सिल्वर? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। हाँ जी, चुंबकी जी डिस्क होंदी है इस उपर किस दी परत चढ़ी होंदी है, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। नैक्सट बाइनरी नंबर होंदा है, बाइनरी नंबर सिस्टम विच प्रयोग किया जाता है, केवल जीरो, केवल वन, जीरो अते वन दोनों जां केवल दो, तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जीरो अते वन। हाँ जी, जिहड़ा बाइनरी नंबर होंदा है, बाइनरी नंबर सिस्टम, इस विच कि नंबर यूज़ किए जाते हैं, जीरो अते वन, दो इस विच प्रयोग नहीं किया जाता, इस गल नूं तुसीं ध्यान विच जरूर रखना है। नैक्सट अपना प्रश्न है, वट इज़ नॉर्टन? हाँ जी, नॉर्टन की है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हाई लेवल लैंगुएज है, जां ए एक एंटी वायरस है? ये भी प्रश्न अपने को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, एंटी वायरस है। हाँ जी, नॉर्टन की है, ये एक अपने को एंटी वायरस है, एंटी वायरस कि होंगे जेडे वायरस को खत्म करते हैं, तो उसको तुसी किस कैटागरी में रखोगे? एंटी वायरस में आएगा। इस तो अलावा जेकर आप गल करिए एंटी वायरस को किहड़े सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, इस गल नूं भी तुसी ध्यान विच जरूर रखना है। इस तो अलावा जेकर आपां होर एंटीवायरस की गल करिए, जिवें कि अवास्ट नाम का भी एक एंटीवायरस आता है, K7 नाम का भी एक एंटीवायरस आता है, अवीरा नाम का भी एक एंटीवायरस आता है, तो यह सन कुछ महत्वपूर्ण एंटीवायरस, सो इन्हां भी तुसी ध्यान विच जरूर रखना है। इस तौर पर जेकर आपां गल करिए सब तो पहले वायरस की, तो सब तो पहला किहड़ा वायरस आया सीगा, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, क्रीपर नाम का सब तो पहला वायरस आया सीगा, बट वो हार्मफुल वायरस नहीं सी। जेकर थोड़े को सब तो पहला हार्मफुल वायरस पूछा जाए तो फिर थोड़ा सही उत्तर होगा ब्रेन, जो कि पाकिस्तान देश ने बनाया सीगा, पाकिस्तान के दो ब्रदर सी, उन्होंने मिल के ब्रेन नाम का वायरस क्रिएट किया, सब तो पहला हार्मफुल वायरस। नैक्सट, कंप्यूटर डंप होने का कारण हो सकता है, वायरस, एंटीवायरस, विंडो इफेक्ट, नन ऑफ दीज? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, वायरस। हाँ जी, कंप्यूटर में जेकर वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर डंप हो सकता है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, कंप्यूटर का आईसी चिप किस तो बनया होता है? हरेक विद्यार्थी को इसका बिल्कुल सही आंसर पता होना चाहिए है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सिल्वर, टिन, आयरन या सिलीकोन? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिलीकोन। हाँ जी, कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होता है, वह सिलीकोन तो बनया होता है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, हेठ लिखा विचों केड़ी फ्लॉपी डिस्क का केड़ा फ्लॉपी डिस्क का साइज हो सकता है? 2.23 इंच, 5.25 इंच, ए एंड बी बोथ, या 7.5 इंच? तो इस अपने को सही उत्तर की हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। हाँ जी, हेठ लिखा विचों केड़ा फ्लॉपी डिस्क का साइज हो सकता है? 2.25 इंच आना सी इतने अपने को, 2.25 इंच, 5.25 इंच, ये दोनों ही अपने को फ्लॉपी डिस्क के साइज हो सकते हैं, ये भी प्रश्न अपने को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट, विश्व का सब तो वड्डा कंप्यूटर नैटवर्क केड़ा है? वैब ब्राउजर, इंटरनैट, इंटरनैट या ऑल ऑफ दी अबव? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इंटरनैट। हाँ जी, विश्व का सब तो वड्डा कंप्यूटर नैटवर्क केड़ा है, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, इंटरनैट। वैब ब्राउजर थोड़ा हरेक विद्यार्थी को पता होगा कि जेकर तुसी इंटरनैट को यूज़ करते हो तो सब तो पहला तो किसकी जरूरत पवेगी? वैब ब्राउजर की। वैब ब्राउजर जेकर आप एग्जाम्पल की गल करिए, जिवें कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, सफारी, तो यह सन अपने को कुछ महत्वपूर्ण ब्राउजर, सो इन्हों भी तुम ध्यान रख सकते हो। इस तो अलावा सर्च इंजन भी अपने को होंगे, जिमें कि गूगल हो गया, बिंग, याहू, तो यह सन अपने को कुछ सर्च इंजन, MSN नाम का भी एक सर्च इंजन होंदा है। नैक्सट, CPU अते मेन मैमरी की गति को बराबर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रजिस्टर मैमरी का, कैशी मैमरी का, ए एंड बी बोथ, या हार्ड ड्राइव का?
हाँ जी, इस तो अपने को सही उत्तर की रहेगा बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कैशे मैमरी का। हाँ जी, सीपीयू अते यानी कि सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट अते मेन मैमरी की गति को बराबर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैशे मैमरी का प्रयोग किया जाता है। बट जेकर थोड़े को कंप्यूटर की सब तो फास्ट मैमरी पूछी जाए तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, रजिस्टर मैमरी। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, कंप्यूटर की प्रोसैसिंग किस तरह ही मापिया जाता है, मैगा हर्टज राही, गीका हर्टज राही, MBPS जा आउट ऑफ द अबव। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मैगा हर्टज। हाँ जी, कंप्यूटर की जी प्रोसैसिंग होंगी है उसको किस तरह मापिया जाता है, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा मैगा हर्टज के मापिया जाता है। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, इतने कुछ तुम महत्वपूर्ण पॉइंट दे सकते हो। LAN का यानी कि लैन का फुल फॉर्म होंगी अपने को लोकल एरिया नैटवर्क, जो कि छोटे पद्धर से यूज़ किया जाता है। इस तों अलावा वैन वाइड एरिया नैटवर्क, जो कि व्डे पद्धर से यूज़ किया जाता है। इस तों अलावा पैन का अपने को फुल फॉर्म होंगी है परसनल एरिया नैटवर्क, जो कि बहुत ही छोटे पद्धर से यूज़ किया जाता है, यानी कि जिस की रेंज 10 मीटर तक होंगी है, जिमें कि ब्लूटूथ हो गया, यह अपने को परसनल एरिया नैटवर्क के आता है। इस तों अलावा कैन कैंपस एरिया नैटवर्क, सो इन्होंने भी तुम अलग तो जरूर नोट कर लेना है। नैक्सट अपना प्रश्न है, डाटे को सुरक्षित रखने का किहड़ा तरीका है, बैकअप प्लैन, ट्रांसफर मैथड, डिलीट डाटा, इतने अपने को मिसटेक ऑप्शन च डिलीट डाटा ज ऑल ऑफ द अबव। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बैकअप प्लैन। हाँ जी, डाटे को सुरक्षित रखने का किहड़ा तरीका हो सकता है, बैकअप प्लैन। नैक्सट 2007 तो बाद MS वर्ड दी एक्सटेंशन फाइल कीड़ी सी, .doc.docx जां तुसी अगे ऑप्शन दे सकते हो सी अते डी। तो इस दा अपने कोल सही उत्तर की रहेगा बी, इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा .docx। हाँ जी, 2007 तो बाद जिहड़ी MS वर्ड है तो इस दी एक्सटेंशन फाइल कीड़ी सी, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा .docx, यानी कि वर्तमान समय दे विच इस दी एक्सटेंशन फाइल है .docx, बट 2007 तो पहला कीड़ी सी .doc। सो इस गल भी तुसी ध्यान विच जरूर रखना है। नैक्सट आप देख लेंगे FAT स्टैंड्स फॉर, इतने अपने को FAT की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। हाँ जी, FAT की फुल फॉर्म की होंगी है फाइल एलोकेशन टेबल। नैक्सट, पावर पॉइंट केड़ी कंपनी ने बनाया सीगा, IBM, CDEC, इंटल जां माइक्रोसॉफ्ट। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। हाँ जी, पावर पॉइंट केड़ी कंपनी ने बनाया सी, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। इस तों अलावा जेकर थोड़े को ऐदा प्रश्न पूछा जाए कि MS वर्ड किसने बनाया सी, तो फिर भी थोड़ा सही उत्तर की होगा माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि जो MS ऑफिस उसनों क्रिएट किया माइक्रोसॉफ्ट ने। अगे सारे अपने को भाग होंगे जिमें कि MS एक्सल भी MS ऑफिस का भाग है, इस तों अलावा MS वर्ड भी, पावर पॉइंट भी, इस करके ये सारे जो हैं अपने को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए हैं। इस तों अलावा जो प्रोसैसर होंगे वो ज़्यादातर इंटल कंपनी बनाती है माइक्रो प्रोसैसर। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, हार्ड डिस्क की स्पीड लगभग कितनी होती है। हाँ जी, इतने अपने को लगभग की गल की गई है, तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 3600 चक्कर प्रति मिनट। हाँ जी, हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है, इतने तुम देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है हार्ड डिस्क की, 3600 चक्कर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट के 3600 चक्कर हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, गेम खेडन के लिए कि इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, OCR, MCR, लाइट पेन जां जोएस्टिक। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हरेक विद्यार्थी नूं इसका बिल्कुल सही आंसर पता लग गया होगा। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा जोएस्टिक। हाँ जी, गेम खेडन के लिए कि इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो इस अपने को उत्तर रहेगा जोएस्टिक का। इस तों अलावा तुहानूं पता होगा जो MICR है इसका प्रयोग कित्थे किया जाता है, बैंक के इसका चैक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है MICR का। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, DOS और विंडोज़ की हैं, OS यानी कि ओपरेटिंग सिस्टम हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, जां ऑल ऑफ द अबव।
हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओपरेटिंग सिस्टम है ना। हाँ जी, DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ तुम्हें पता है, ये भी अपने को एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको तुम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो। इस तो अलावा जो आप गल करिए DOS की, हाँ जी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ा सी अपने को कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सेगा। थोड़े को प्रश्न पूछा जाएगा कि हेठ लिखा विचों किहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उत्थे तुहानूं कुछ ऑप्शन दे दित्तियां जाणगियां, उत्थे तुहाडा सही उत्तर होवेगा DOS। नैक्सट अपना प्रश्न है, वट इज़ लोटस? लोटस की है, कंप्यूटर डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर बग है, जां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? हाँ जी, इस तो अपने को सही उत्तर की रहेगा, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, वट इज़ लोटस? लोटस की है, ये अपने को एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। बग की हुंदा है? जदों आपां कोई प्रोग्राम टाइप करते हाँ जां प्रोग्राम लिखते हाँ तो उस विच आए एरर नूं बग दा नाम दिता जांदा है, एंड उस बग नूं लभण दी प्रक्रिया नूं टैसटिंग दा नाम दिता जांदा है, एंड उस बग नूं खत्म करन दी प्रक्रिया नूं डीबगिंग दा नाम दिता जांदा है। सो इन्हां पॉइंट्स नूं वी तुसीं ध्यान विच जरूर रखना है। नैक्सट आपां देख लैंदे हाँ जी, 3.5 इंच जिहड़ी फ्लॉपी डिस्क हुंदी है, इस विच किन्ना डाटा स्टोर हो सकता है, ये इत्थे अपने कोल प्रश्न पूछा गया है। हाँ जी, इस तो अपने को सही उत्तर की रहेगा, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1.44 MB। हाँ जी, जी 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होंगी है तो इस दे विच किन्ना डाटा स्टोर हो सकता है, 1.44 MB। नैक्सट, कंप्यूटर साखरता दिवस कदों मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 2 अक्तूबर, ज 2 सितंबर? शायद इतने अपने को सारिया ही ऑप्शन रोंग हैं तो इस अपने को उत्तर रहेगा, 2 दिसंबर नूं कंप्यूटर साखरता दिवस मनाया जाता है, इस डेट नूं तुसीं ध्यान विच जरूर रखना है। नैक्सट आप देख लैंदे हाँ जी, किहड़े कंप्यूटरां दे मेल नूं हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है? डिजिटल एंड एनालॉग, माइक्रो एंड एनालॉग, मिनी एंड डिजिटल, जां माइक्रो एंड डिजिटल? हाँ जी, इस तो अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, डिजिटल एंड एनालॉग। हाँ जी, किहड़े कंप्यूटरां दे मेन नूं हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, डिजिटल अते एनालॉग। नैक्सट, वट इज़ MSN? हाँ जी, MSN की है, ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुका हाँ, इस प्रश्न तुसीं ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हो, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, A&B बोथ है, जां ओपरेटिंग सिस्टम है? हाँ जी, इस तो अपने को सही उत्तर की रहेगा, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए एक अपने को सर्च इंजन का नेम है, MSN। इस तो अलावा होर भी अपने को सर्च इंजन होंगे हैं जो कि मैं तुम्हें पहला भी दस चुका हाँ, गूगल, बिंग, याहू, ये सारे अपने को सर्च इंजन हैं। गूगल सब तो वध यूज़ किया जाने वाला सर्च इंजन है, अदर तुम इतने देख सकते हो। इंटरनेट पर उपलब्ध करवाया जाने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र किहड़ा सीगा? द हिंदू, द टाइम्स, द पत्रिका, जां ऑल ऑफ दी अबव? हाँ जी, इस तो अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, द हिंदू। हाँ जी, इंटरनेट पर उपलब्ध करवाया जाने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र किहड़ा सीगा? द हिंदू। नैक्सट, कंप्यूटर विच प्रोग्राम की सूची नूं की कहा जाता है? फाइल, फोल्डर, मीनू, जां नन ऑफ दीज? हाँ जी, इस तो अपने को सही उत्तर की रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, मीनू। हाँ जी, कंप्यूटर विच जिहड़े प्रोग्राम होंदे हन तां उन्हां दी सूची नूं मीनू कहा जाता है। नैक्सट, ओ सॉफ्टवेयर जिन्हां दा कोई कॉपीराइट नहीं हुंदा तां कहा जाता है? फ्रीवेयर, शेयरवेयर, सोर्स कोड, जां नन ऑफ दीज? हाँ जी, इस प्रश्न का आंसर भी हरेक विद्यार्थी नूं पता लग गया होगा। हाँ जी, इस तो अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, फ्रीवेयर। हाँ जी, वह सॉफ्टवेयर जिन्हों का कोई कॉपीराइट नहीं हुंदा तां उन्होंने किस कैटेगरी रखा जाता है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होंदे हन। नैक्सट, आपां इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेंदे हां। हाँ जी, फोटो, आवाज़ और वीडियो तो बनी आउटपुट नूं की नाम दिता जाता है? इस प्रश्न में तुसीं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो, बट जिहड़ा विद्यार्थी इस प्रश्न नूं ध्यान नाल पढ़ेगा वह विद्यार्थी इस प्रश्न नूं ईजीली अटैम्प्ट कर सकता है एंड सही आंसर दे सकता है। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर मल्टी मीडिया जां मल्टी आउटपुट? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, मल्टी मीडिया। हाँ जी, फोटो, आवाज़ और वीडियो तो बनी आउटपुट की नाम दिता जाता है? मल्टी मीडिया का नाम दिता जाता है।
इस तरह अज की अपनी ये वीडियो इतनी समाप्त होंगी है। ये वीडियो थोड़ू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर दसना है। एंड जेकर थोड़ू ये वीडियो हैल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो में वो शेयर एंड लाइक भी जरूर करके जाना है। एंड जिहड़े विद्यार्थियों ने हजे भी इस चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार हुणे ही इस चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर जरूर क्लिक कर लवो ता जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन थोड़ा टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस तो अलावा तुम मैं इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी गई है। इस तो अलावा एक अपना होर चैनल है जिस तरह मैं सक्सैस की 44 उत्थे तुम डेली मोटिवेशन वीडियोज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सो उस चैनल भी तुम जरूर सबसक्राइब कर लेना, उस चैनल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी गई है। तो हूँ आप अज की इस वीडियो इतनी समाप्त करते हैं, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। थैंक यू।